నిత్యావసరాలపై జీఎస్టీ విధింపుపై తమ పోరాటం కొనసాగుతుందన్నారు ఎంపీ వద్దిరెడ్డి రవిచంద్ర. ప్రజా సమస్యలపై చర్చించేందుకు బీజేపీ సర్కార్ ఎందుకు వెనకాడుతుందని ప్రశ్నించారు. తెలంగాణలో వరదల వల్ల జరిగిన నష్టంపై నివేదిక పంపినప్పటికీ కేంద్రం నుంచి ఇప్పటి వరకు స్పందన రాలేదన్నారు ఎంపీ వద్దిరాజు. अगेंस्ट द जीएसटी लड़ रहे लास्ट हफ्ता से चर्चा नहीं होने दे रहे हमें को कुछ बोलने के लिए भी कल मौका भी नहीं दिए. हमारा तेलंगाना में 15 दिन से फ्लड्स आ रहे हैं हैवी रेन्स उसका में भी हमारा सीएम साहब भी 2 दिन घूम के आया उधर देख लिया है कुछ फंड्स अरेंज 1000 करोड़ दिया है चावल दिया है पैसे दिया है सबको नुकसान बहुत हो गया है. उसके लिए भी केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजा था उस रिपोर्ट में भी कुछ कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है उसको बोलने का जवाब भी नहीं है. हम अगेंस्ट द जीएसटी ओनली चर्चा करने के लिए मांग रहे थे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे उसकी जगह अलावा हम लोगों को सस्पेंड किया है एसएडए वो बात 19 मेंबर को सस्पेंड किया राज्यसभा में परसों 4 मेंबर को सस्पेंड किया लोकसभा में सब लोग मिलकर यहीं हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं. हमारा सस्पेंशन निकाल देना है और हमको जीएसटी पे भी चर्चा करना है यही इसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं. हमारा पार्टी टीआरएस हमारा नेता भी यही बोल रहे हैं हमारा गरीबों का पार्टी है गरीब के लिए हम लड़ रहे हैं.